मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है कैलेडियम। दिस रेमेडी हैज ए मार्क्ड एक्शन ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स। इस दवा का सबसे ज्यादा असर जिंसी आज़ा पर होता है एंड प्रोराइटिस ऑफ दिस रीजन और जिंसी आज़ा में खारिश पैदा करती है। कोल्डनेस ऑफ सिंगल पार्ट्स एंड इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, किसी एक हिस्से में ठंडक का एहसास होगा और मरीज लेटा रहना चाहेगा विद एग्रीवेशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, लेकिन बाएं तरफ लेटने से तकलीफ ज्यादा हो जाती है। स्लाइटेस्ट नॉइज स्टार्टेड फ्रॉम स्लीप, जरा से शोर से मरीज नींद से चौंक जाता है। ड्रेड फ्रॉम मोशन, हरकत से डरता है, हरकत का खौफ होता है। मॉडिफाइज क्रेविंग फॉर टोबैको, तंबाकू नोशी की आदत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। टोबैको हार्ट, इसी तरह से तंबाकू नोशी के नतीजे में दिल के अमराज में इस्तेमाल होगी। एस्थमेटिक कंप्लेंट्स और दमे में भी इस्तेमाल होती है। सर के अलामात में हेडेक्स एंड मेंटल स्टेट्स ऑफ स्मोकर्स, सर दर्द और तंबाकू नोशी करने वाले लोगों की जहनी अलामात के लिए इस्तेमाल होगी। वेरी फॉरगेटफुल, मरीज भुलक्कड़ होता है, चीज़ें भूल जाता है। डज नॉट नो अबाउट द अकरेंस ऑफ द थिंग्स, कि जो कुछ अभी हुआ है वो भूल जाता है या जो उसने किया है वो भूल जाता है। कन्फ्यूज्ड हेडेक विद पेन इन द शोल्डर, सर में दर्द होता है और उलझन की कैफियत होती है, जिसके साथ कंधे में दर्द होगा, प्रेशर इन द आईज, आंखों में दबाव होगा एंड फोरहेड और माथे में भी दबाव होगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू नॉइज, शोर के लिए मरीज बहुत हसास होता है एंड थ्रॉबिंग इन द ईयर्स, और कानों में धड़कन का एहसास होता है। मैदे के इलामात में ग्नाइंग इन द ऑरिफेस ऑफ द स्टमक, मैदे के मुंह पर कुतरने का एहसास होता है, यानी भूख की कैफियत होती है, विच प्रिवेंट्स डीप ब्रीथिंग एंड इरेक्टेशंस, और इस कुतरन के एहसास से के साथ ही मरीज को नींद नहीं आती। प्रिवेंट्स डीप ब्रीथिंग, उससे गहरा सांस मरीज नहीं ले सकता एंड इरेक्टेशंस और डिकार आते हैं। इरेक्टेशंस, मरीज को बार बार छोटे छोटे डिकार आते रहते हैं। स्टमक फील्स फुल ऑफ ड्राई फूड, ऐसे लगता है मेदा खुश्क खुराक से भरा हुआ है। सेंसेशन ऑफ फ्लटरिंग, पड़पड़ाहट की फीलिंग आती है या एहसास होता है। एक्रिड वोमिटिंग, तेजाबी कह होती है, थर्स्टलेस, प्यास नहीं होती एंड टॉलरेट्स ओनली वार्म ड्रिंक्स, और मरीज सिर्फ गर्म मशरूम ही बर्दाश्त कर सकता है। साइंग रेस्पिरेशन और आहें भरता है मरीज। मर्दाना अलामात में प्रोराइटस, मर्दाना अज़ा पर खारिश होगी, ग्लांस वेरी रेड, पीनस का जो हेड है उस पर सुर्खी होगी, आर्गन सीम लार्जर, पफ्ड रिलैक्स्ड, और जिंसी अज़ा जो हैं वो बड़े महसूस होते हैं, फूले हुए महसूस होते हैं और ढीले ढाले महसूस होते हैं। कोल्ड स्वेटिंग और उन पर ठंडा पसीना होगा। स्किन ऑफ द स्क्रोटम थिक, और खसियों की थैली जो है उसकी जिल्द मोटी हो जाती है। इरेक्शन व्हेन हाफ स्लीप, आधी नींद में तो इरेक्शन होती है। सीज व्हेन फुली अवेक, लेकिन उठने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इम्पोटेंसी, शदीद नामर्दी होती है। रिलैक्सेशन ऑफ द पीनस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, और जिंसी हिजान के दौरान में कोई इरेक्शन नहीं होती, जो पीनस है वो रिलैक्स हो जाता है, लटक जाता है। नो इमिशन एंड नो ऑर्गेज्म ड्यूरिंग एम्ब्रेस, और सेक्सुअल एक्ट के दौरान ना ही मनी का इखराज होता है और ना ही ऑर्गेज्म होता है। जनाना अलामात में प्रोराइटिस ऑफ द वुल्वा, बिरूनी अज़ाए तनासली पर खारिश होती है एम्ब्रा और क्रियोजोट की तरह, एंड विजाइना और अंदाम के अंदर भी खारिश होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास तौर पर हमल के दौरान में। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड
एक और 12 की रेशों में लोकली भी इस्तेमाल होती है। वोलप्टियसनेस जिनसी तहरीक होती है या जिनसी ये जान होता है, क्रैम्प्स पेन इन यूट्रस एट द नाइट और रहम में इठन वाले दर्द होते हैं रात के वक्त। जिनके अलामात में स्वीट स्वेट अट्रैक्ट फ्लाइज, पसीना मरीज का मीठा होता है जिससे मक्खियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, खिंची आती हैं। इंसेक्ट्स बाइट बर्न एंड इच इंटेंसली, और अगर कोई मच्छर कीड़ा वगैरह काट ले तो वहां पर बहुत ज्यादा जलन और खारिश होती है। इचिंग रैश अल्टरनेशन एस्थमा और खुजली जो है वो दमा के साथ अल्टरनेट करती है, कभी दमा होता है कभी खुजली हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन एंड इट्स फिलेटस इन्फ्लेमेशन, जलन भी होती है और सिर्फ मादा किस्म के सोजिश होती है और जल्द पर उभार होते हैं। सांस के अलामात में लेरिंग सीम्स कंस्ट्रिक्टेड, सांस की नाली घुटी हुई महसूस होती है। ब्रीदिंग इंपीडेड, ऐसा लगता है कि सांस रुक जाएगा। टारल एस्थमा, नजलावी दमा होता है। म्यूकस नॉट रेडली रेस्ड और आसानी से बलगम नहीं निकलता है। पेशेंट अफ्रेड टू गो टू स्लीप, और मरीज जो है वो नींद में जाने से डरता है। कभी बेशी में बेटर आफ्टर स्वेट, पसीने के बाद मरीज बेहतर महसूस करता है। आफ्टर स्लीपिंग इन डे टाइम, और दिन में सो ले तब भी मरीज बेहतर महसूस करता है। वर्स मोशन, हरकत से तकलीफ पड़ती है। रिलेशनशिप में ये इनकम्पेटिबल है आरम ट्राइफिलम के साथ। कम्प्लीमेंट्री इसकी नाइट्रिक एसिड है। कंपेयर करें इसको कैप्सिकम के साथ, फॉस्फोरस के साथ, कास्टिकम, सिलेनियम, लाइकोपोडियम के साथ। और इश्वागंधा जो है ये सेक्सुअल वीकनेस में कंपेयर करेंगे इसको, इश्वागंधा जिसमें सेक्सुअल वीकनेस है यानी जिंसी कमजोरी है, इमेशंस होती हैं यानी एहतलाम वगैरह होता है, और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है। थर्ड टू सिक्स प्रेगनेंसी यहाँ रिकमेंड की गई है। अगली दवा के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए उन पति के साथ। अल्लाह हाफिज़।